राजधानी रायपुर में भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर तमाम बड़े नेता देश और प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रदेश के प्रभारी नितिन नवीन राजधानी रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने सदस्यता अभियान को लेकर कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ में पहले फेज की सदस्यता अभियान काफी अच्छी चल रही है, हम आगे और भी गति प्रदान करने वाले हैं। इसी कड़ी में उन्होंने राहुल गांधी के चुनावी बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी एक ऐसे तत्व हैं जिन्होंने जब भी बाहर कदम रखा है भारत के खिलाफ उल्टा और गलत बयानबाजी की है। इसमें केवल उनकी छवि नहीं बल्कि देश की छवि भी खराब होती है। दुर्भाग्य से हमें ऐसा नेता प्रतिपक्ष मिला है। छत्तीसगढ़ प्रदेश अपना फर्स्ट फेज का जो था काफी अच्छा चल रहा है और मुझे उम्मीद है और कुछ गति आएगी अगले कुछ दिनों में। राहुल गांधी एक ऐसा तत्व है, आपने देखा होगा, इसके पहले नेता प्रतिपक्ष की शख्सियत होती थी अटल बिहारी वाजपेयी जैसी, जो यूएन में भी जाकर भारत का पक्ष रखते थे। और पूर्व में कोई भी नेता रहा हो विपक्ष का, किसी भी पार्टी का, उन्होंने हमेशा भारत को एक रूप से, भारत की जो विदेश नीति है उस पर एकरूपता दिखाई, भारत के अंदर के राजनीतिक विषयों को बजाय बनाकर राजनीतिक रोटी सेकने का काम नहीं किया। वो तो ऐसा व्यक्तित्व है जो कि भारत के मुर्दाबाद के नारे लगाता है, जो अलगाववादी तक तो पूरी तरह से भारत के विरोध करने स्थानीय लोग के जो लोग हैं उनके लोगों के साथ बैठकर चाय पीता हो, उस शख्सियत के बारे में क्या कह सकते हैं। मेरा तो मानना है कि राहुल गांधी जैसा पहला ऐसा नेता होगा जो विपक्ष का, जिन्होंने इस प्रकार के भारत विरोधी बयान भारत के बाहर जाने वाले लोगों के साथ मिलकर चाय पार्टी करता हो और देश में भारत जोड़ने की बात करता हो और बाहर जाकर भारत के जो टुकड़े करने वाले गैंग है उनके साथ बैठकर चाय पीता।